सीहोर जिले में इस वर्ष भारी बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए कई बार किसानों ने सरकार से सर्वे कराकर मुआवजा की मांग की है, पर अभी किसानों का सही तरीके से सर्वे नहीं हुआ। इसी से दुखी होकर ग्राम कुलास खुर्द एवं कुलास कला के आक्रोशित किसानों ने कुलास नदी में उतरकर जल सत्याग्रह आंदोलन कर शासन से मांग की है कि शीघ्र ही खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाए। जल सत्याग्रह के दौरान किसानों ने नारे लगाने के साथ साथ थालियां भी बजाई। वहीं अपनी फसल खराब होने को लेकर जल सत्याग्रह कर रहे किसानों ने कहा कि भोपाल के बड़े तालाब को भरने वाली सीहोर जिले की कुलास नदी के समीपस्थ ग्राम कुलास खुर्द, कुलास कला, ढाबला, रामाखेड़ी, रलावती, नापली, चैनपुरा, बारवाखेड़ी, उलझावन आदि गांव भारी बरसात से आई बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से बर्बाद हुई खरीफ की फसल का सर्वे कराकर मुआवजे की मांग को लेकर ग्राम पंचायत के सरपंचों ने तहसीलदार एवं पटवारी को भी अवगत करा दिया था। इसके बावजूद भी हमारे गांव की रबी की फसलों का ना तो सर्वे किया गया और ना ही मुआवजा मिल सका, जबकि सीहोर जिले की अन्य तहसीलों में सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है, परंतु कुलास नदी के आसपास अभी तक सर्वे का कार्य नहीं किया गया है। ग्राम कुलास कला का सरपंच राजेंद्र वर्मा ये संकल्प लेते हैं कि हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, जब तक यूं ही पानी में धरना करते रहेंगे। क्या है साहब, ये कुलास कला के किसान हैं, कुलास कला, छोटी कुलास, बड़ी कुलास के कुछ किसान हैं जो बता रहे हैं कि सत्याग्रह कर रहे हैं, और ये कुलास नदी एक ऐसी भयंकर बाढ़ आई थी साथ, कम से कम एक दर्जन गांव के किसानों की फसलें खराब हो, ये सोयाबीन की व मक्का की उड़द की, इसकी सर्वे की मांग को लेकर, ये सर्वे की मांग को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं। और मैं जिला प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इनको शीघ्र आरबीसी 64 के अंतर्गत सर्वे, पहले तो सर्वे करा जाए और आरबीसी 64 के अंतर्गत इनको मुआवजा दिया जाए, साथ ही इनका जो बीमा कटा है वो बीमा राशि भी दिलाई जाए। EMS TV के लिए राहुल मालवी की रिपोर्ट।